दोस्तों, मैं आपको इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है रेडियन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ पर आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं। वहीं इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं। साथ ही आपको यहाँ 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा वहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए रेडियन्ना को। दोस्तों, IPL 2022 के 11वें मैच में मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने होगी रविंद्र जडेजा की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स। एक तरफ पंजाब ने अपना पहला मैच जीता था, लेकिन वह दूसरे मैच में KKR से हार गई, जबकि CSK अपने दोनों मैचों में हार गई। ऐसे में CSK के लिए यह मैच जीतना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके खाते में अभी एक भी पॉइंट नहीं है। इस वीडियो में हम इस मुकाबले के लिए चेन्नई और पंजाब दोनों का प्लेइंग 11 कंपेरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी कर रहे हैं इस मैच का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और चेन्नई के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 25 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 15 मैचों में चेन्नई ने बाजी मारी है, तो वहीं पंजाब ने 10 मैच जीते हैं। हेड टू हेड में CSK का पलड़ा भारी है। पिछली बार जब IPL 2021 में दोनों टीमें भिड़ी थी, तब बाजी चेन्नई के हाथ ही लगी थी। इस बार देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए CSK और PBKS के बीच प्लेइंग 11 कंपेरिजन की। सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, तो चेन्नई के लिए ओपन करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन थप्पा। नंबर 3 पर मोइन अली होंगे, जबकि पंजाब के लिए ओपन करेंगे शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। नंबर 3 पर इस मैच में जॉनी बेयरस्टो खेलेंगे। जॉनी बेयरस्टो इस मैच में ओरिजन स्मिथ की जगह खेल सकते हैं, जो कि अब तक दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं। कंपेरिजन करें तो टॉप ऑर्डर में दोनों का पलड़ा अब तक के प्रदर्शन के हिसाब से बराबर ही लग रहा है। जॉनी बेयरस्टो इस मैच में खेलने वाले हैं, जिसकी वजह से पंजाब टॉप ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग होने वाली है। धवन और मयंक ने अब तक बड़ी पारी नहीं खेली है। दूसरी तरफ CSK के टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ पहले दोनों मैचों में फ्लॉप साबित हुए। मोइन अली ने पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, उथप्पा ने भी 50 लगाई थी। ऐसे में टॉप ऑर्डर में दोनों ही बराबर हैं। टॉप ऑर्डर के बाद अब दोस्तों बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो पंजाब की तरफ से इस मैच में नंबर 4 पर भानुका राजपक्षे खेलेंगे, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो नंबर 3 पर खेलने वाले हैं। उसके बाद नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टोन होंगे। नंबर 6 पर शाहरुख खान और 7वें नंबर पर ऋषि धवन इस मैच में राज बाबा की जगह खेल सकते हैं, जबकि CSK की तरफ से नंबर 4 पर अंबाती रायडू, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा और 7वें नंबर पर MS धोनी उतरेंगे। यहाँ दोस्तों नो डाउट CSK का मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है पंजाब के मुकाबले। MS धोनी ने पहले दोनों मैचों में शानदार बल्लेबाजी की है। कप्तानी से फ्री होने के बाद धोनी एकदम खुलकर खेल रहे हैं। शिवम दुबे, अंबाती रायडू और जडेजा ने भी अब तक बढ़िया प्रदर्शन किया है, जबकि पंजाब का मिडिल ऑर्डर उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। उसके मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की कमी है। लियाम लिविंगस्टोन बड़ी पारी खेलने में फैल रहे हैं। ऋषि धवन के इस मैच में खेलने के चांस हैं मिडिल ऑर्डर के बाद। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं पंजाब और चेन्नई के लोअर ऑर्डर की। तो पंजाब की तरफ से नंबर 8 पर हरप्रीत बरार, नंबर 9 पर कगिसुर अबाडा, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर राहुल चाहर होंगे, जबकि CSK की तरफ से नंबर 8 पर ड्वेन ब्रावो, नंबर 9 पर ड्वेन प्रिटोरियस होंगे। नंबर 10 पर इस मैच में मुकेश चौधरी की जगह क्रिस जॉर्डन खेल सकते हैं, क्योंकि मुकेश चौधरी फ्लॉप साबित हुए हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर भी लास्ट दोनों मैचों में फ्लॉप रहने वाले तुषार देशपांडे बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह KM आसिफ को मौका मिल सकता है। कंपेरियन करें तो दोनों का ही बॉलिंग में पलड़ा बराबर है। राहुल चाहर को छोड़कर पंजाब के सभी गेंदबाज फ्लॉप साबित हुए। रबाडा ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है, बल्ले से भी रन बनाए हैं। अर्शदीप और हरप्रीत बरार पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे, जबकि CSK में देखें तो ड्वेन ब्रावो और ड्वेन प्रिटोरियस ने ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बाकी गेंदबाज फ्लॉप रहे हैं। ऐसे में लोअर ऑर्डर में दोनों का पलड़ा बराबर है। दोस्तों, ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का प्लेइंग 11 कंपेरियन करें तो CSK का पलड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और उसके इस मैच को जीतने के ज़्यादा चांस हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम है ज़्यादा खतरनाक और दमदार, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। IPL 2022 से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।